एज स्टूडेंट्स, सो जैसे ही आपके SBI क्लर्क के एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नियर है, एंड जैसे मैंने आपको कल भी बताया, आपको ऑलरेडी मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए. आपको ऑलरेडी रीजनिंग सेक्शन जो था मेंस का पेपर का, ऑलरेडी आपको सोल्यूशन मिल गया. आपको मैंने ये भी बताया था कि आपकी जो इंग्लिश एंड अकाउंट सेक्शन है वो एक बार आप लोग देख लीजिए. हमारे वेबसाइट में तो आपका सारे पेपर्स है ही, तो उस पेपर से आप आई होप आपने देख लिया होगा एंड अपने पूरा पेपर कर लिया होगा. एंड अब अभी आप सॉल्यूशंस भी देख लीजिए एंड रिलेट करने की ट्राई कीजिए कि कहाँ आपका क्या गलत हुआ था, कहाँ आपका क्या सही हुआ था. एंड इवन चेक, इवन वेरीफाई कि आपको कितने मार्क्स मिले, आपके वीक पॉइंट्स क्या है. ऐसे आप खुद के सेल्फ वेरिफिकेशन अगर करोगे देन ओनली यू कैन सक्सीड इन योर एग्जाम्स, राइट? तो बिकॉज यू यू कैन बी योर यू कैन बी द बेस्ट टीचर, यू कैन बी योर बेस्ट टीचर, ओके? सो प्लीज पीपल, ये करिए एंड देन योर डेफिनेटली आपका सिलेक्शन डेफिनेट है, ओके? सो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या क्वेश्चंस आए होंगे, ठीक है? तो जैसे आपको सभी को पता है 35 मिनट्स मिलते हैं एंड मैक्सिमम मार्क्स जो होता है 40 क्वेश्चंस, 40 के आसपास ही आता है, या फिर 35 से लेके 40 के आसपास आ सकते हैं, ठीक है? तो लेट अस सी क्वेश्चंस क्या थे यहाँ पे. सो जैसे हम देख रहे हैं कि सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो एक कंप्रीहेंशन है. हाँ, तो डेफिनेट है दो कंप्रीहेंशन आपको मिलेंगे. उसमें से जो 15 क्वेश्चंस है, एक में 8 के अराउंड, एक में 7 के अराउंड, या फिर दोनों में 8-8 क्वेश्चंस, 15 to 16 क्वेश्चंस आपको आएंगे कंप्रीहेंशन से. तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया है, पहले आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस करना है, फिर बाद में पूरा आपको पैसेज पढ़ के करना है, जो हम बाद में करेंगे आफ्टर द ग्रामर एंड ऑल. लेकिन सिंस यहाँ पे आपको समझाना है, आई एम गोइंग थ्रू ऑल द पैसेज, ठीक है? सो लेट अस गो थ्रू द पैसेज. तो यहाँ पे लेट अस सी व्हाट इज गिवन. तो यहाँ लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो. सर्टेन वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस, ओके? सो वैसे ही जो बोल वाले क्वेश्चंस होते हैं उसी को हमें एक्चुअली करना चाहिए. आपको मैंने पहले ही भी सजेस्ट किया है. तो लेट अस सी, देयर इज नो फूल सो ग्रेट ए फूल एज अ नोइंग फूल, बट टू नो हाउ टू यूज नॉलेज इज टू हैव विजडम. Businesses continue to face challenging times in this uncertainty. Some leaders have lost their way due to egregious moral and ethical mistakes. Others have reached career dead ends due to their inability to see the big picture from the higher, not so common perspective. Many of these leaders are undoubtedly intelligent, but they are not wise. Okay? So basically, they are giving us a outlook ki wisdom kya hai. Okay? Just being intelligent is not being wise. Okay? Our minds work on a lower and higher level. The lower level deals with the concrete, our immediate physical environment, information, facts, and logic. Okay? Our lower mind supports us to be aware, conceptual, and reflective. Our lower mind is rational, analytical, opinionated, busy, and often skeptical. Okay? It is bound by time and space. We use our lower mind to make sense of a complicated and emotional world. The lower mind is the self of business schools, operations focused education and experiential learning. Okay, the lower mind delivers reductionist thinking and mechanistic conventional approaches to life. The main drawbacks of living in the lower mind is that it only reflects your internal map of reality. ठीक है, तो main drawback बोला गया है, internal map ही reflect करते हैं, right? It is like being stuck in your own intellectual zip code. Never moving beyond your 9 digit thoughts, beliefs, assumptions, expectations, and worldviews. It is like living in one town, knowing it completely, and never venturing outside the borders of the town. Okay? Intelligent people are generally engaged with the lower minds and left brain thinking. The lower mind focuses on one corner of the painting. Wisdom does not arise from the space. Okay? The higher mind considers the abstract, ठीक है? तो बेसिकली जो दे आर सेइंग द लोअर माइंड, जिसमें सारे लोग जो है दे कीप और दे नो एवरीथिंग, ठीक है? लेकिन वो एक मतलब जो आपके दायरा होता है या फिर जो आपके बाउंड्रीज होते हैं उससे बाहर जाके नहीं सोचते, राइट? तो यही अगर आप बाहर जाके सोचते हो, दैट इज नोन एज विजडम. आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन इफ यू वॉन्ट टू बी वाइज यू हैव टू थिंक अबोव इट, राइट? यू हैव टू थिंक अबोव योर लोअर माइंड. लोअर माइंड इज लाइक इट्स बेसिकली लाइक ए कंप्यूटर, जो आपको दिया जाता है, जो इनपुट दिया जाता है, उसी का आउटपुट, उसी का बेस्ट आउटपुट तो निकालते हैं.
because you are intelligent, but if you want to be wise, you have to think above that, right? Next. तो यहाँ पे लिखा है कि the higher mind considers the abstract, it involves intuitions, aspiration, heart, soul and spirit and connects with the universal mind, with universal truth, with beauty and with goodness. Our higher mind speaks in the language of ideas, ideals, symbols, principles and impulses. It is loving. It guides us to the truth. Okay, the higher mind sees the thread woven between the mental, physical, emotional, spiritual, psychological, and social aspects of our life. The higher mind sees the entire planning, the place from which wisdom arises. Wise leaders across both their lower and higher minds. Wise leaders understand they are spiritual beings living in a human form. They allow their lower minds to access their higher, helping them to access intuitions and impressions that provide insights into the bigger pictures of life. Wise leader understands the importance of focus, presence, self-discipline, meditation, study, loving service and creative expression. They seek to guess the next higher level of awareness. They venture outside their historical map of reality, willing to jettison their old safe beliefs, assumptions, expectations and worldviews to explore the possible and the unknown. They are open to knowing what they don't know. Wise leaders understand thus that spiritual and personal growth means connecting with higher concepts and energies, be they values, ideas, potentials, archetypes, higher guidance or intuition. The wise leader develops the capacity to not only connect with these higher concepts but also to seek to ground them into forms, tasks, projects, relationships and details that inform the way they lead. Wise leaders don't stop with experience but transcend experience, both their own and others, in a way that they spend an appreciative amount of time and energy in deep self-reflections and thoughtful consideration around their experience, leading to higher insights, enhanced value and a deeper sense of self-awareness. Proust, wise leadership is not about having experiences but consciously learning from those experiences. The process of learning from experience leads to a process of inquiry, looking with curiosity, not judgment, into the who, what, when, where, how, and most importantly, the why of their experiences. Inquiry is a matter of punctuation. It's about question marks, not full stops. It is about curiosity. Wise leaders understand how connections between diverse elements can create something new. They are adept at using analogy and metaphor and seek to recognize patterns, spot trends, draw connections and discern the big picture even when there seem to be nothing there. A wise leader interacts with a world in terms of a richer and more varied spectrum of possibilities and opportunities. Okay? A wise leader understands the importance of relationships, human and otherwise. A wise leader is a system thinker, is gestural. Gestural का मतलब क्या होता है? जो बहुत ही ज़्यादा organized होता है, an organized whole that is perceived as more than the sum of its parts. Okay? जैसे gestural बहुत ज़्यादा organized होता है, जो अपने जो sum of its parts है, उससे ज़्यादा होते हैं. ठीक है? A holistic thinker, holistic का मतलब पता होता ही है आपको कि characterized by the beliefs that part of something are intimately connected. Okay? So basically holistic thinker, wise leaders are comfortable being oriented to their right brain as well as to their heart and soul. Inquiry for the wise leader is not about futurizing the past. Using their past experiences, the known, the tried and true, to explain present experiences that are uncommon, unusual, unfamiliar. They understand that inquiry involves delving deeply. Delve का मतलब पता होगा आप लोगों को, excavate करना है, reach inside a very deep, like receptacle and search for something, right? Delving deeply into the self, even parts of the self that heretofore means before now, right? Before now might have been unknown, in order to search for new insights, perspectives and understanding. Seeking familiarity with the unknown. For wise leaders, inquiry means creating an internal space unencumbered. Unencumbered ka matlab hota hai, not having any burden. Okay? Unencumbered by old thoughts, beliefs and premises.
a new, clear, inviting and open space and turning into a fresh room without preconception or expectation and being informed with new learning, new sense, new meaning, new voice and new house. In other words, new wisdom. So basically, wisdom ko, matlab wisdom kaisa hai, kya hona chahiye, what does a wise leader think, kaisa hota hai wise leader, kaisa ek intelligent leader hota hai, kaisa ek wise leader hota hai, dono ko differentiate kiya gaya hai, theek hai? Finally, let's go through the questions. So, yahan pe kya likha hai? Which of the following is true regarding wisdom? Okay, so regarding wisdom, kya true hai? The people with wisdom are skeptical and opinionated. तो आपको पहले ही बोला गया था कि जो जो आपके लोअर माइंड्स वाले पीपल है वो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल है बोला गया था लेट अस सी इफ यू हैव नोटेड देखिए यहाँ पे लिखा है our lower mind is rational, opinionated and often skeptical. Skeptical का मतलब I think आप सभी को पता होगा. Skeptical का मतलब होता है not easily convinced, okay? और तो देखिए ये आपके lower mind होता है and lower mind वाले people they are not wise, right? People with wisdom are the higher mind people. तो people with wisdom are not skeptical and opinionated. तो ये सही नहीं है. Next, people with wisdom have conventional approach to life. तो यहाँ पे ये जो कन्वेंशनल अप्रोच टू लाइफ है ये कौन करते हैं लोअर माइंड पीपल जो पीपल विद विजडम नहीं होते हैं तो दिस इज आल्सो रॉन्ग राइट तो विजडम इज व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर वी हैव रन आउट ऑफ पर्सनल ओपिनियंस सो यही बोला गया है कि जब आप पर्सनल ओपिनियंस को साइड में रख के उसके ऊपर सोचते हो दैट इज ओनली विजडम तो यही आपके करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बिकॉज दिस इज द ट्रू थिंग राइट नेक्स्ट अगर देखें तो एबिलिटीज टू प्लान और क्रिएट एन आइडिया सॉल्व अ प्रॉब्लम बी लॉजिकल इन योर क्रिएटिविटी एंड मेक फेवरेबल रिजल्ट्स इन अ बैड सिचुएशन तो नो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू इन रिगार्डिंग विजडम तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन क्लियर आई एम प्रीटी श्योर इट्स क्लियर टू यू ओके ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर ओके Next question, which of the following is false in context of the passes? Passes ke context mein kaun sa false hai, theek hai? Lower minds lacks emotional and spiritual intelligence, right? To ye to sahi hai aapka, right? ये तो आपके फॉल्स नहीं है ये तो ट्रू है तो ये फॉल्स नहीं है ठीक है तो ये फॉल्स नहीं है तो ओनली वन वोट वन ये तो गलत ही हो गया आइदर ओनली थ्री हो सकता है राइट तो फॉर वाइज लीडर इनकरिंग वंस न्यू विजडम तो ये भी सही है ये भी फॉल्स नहीं है तो ये भी आपका गलत है पीपल हु लैक विजडम बट आर इंटेलिजेंट डोंट हैव एक्सेस टू हायर माइंड्स नो ये नहीं है ये नहीं बोला गया है लेकिन ये आपका गलत नहीं है यही है बोला गया कि जो विजडम लैक करते हैं बट आर इंटेलिजेंट उनका हायर माइंड्स का सोच नहीं होते दे आर फ्रॉम द लोअर माइंड्स राइट यही बोला गया है तो ये भी फॉल्स नहीं ये भी ट्रू है तो तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू है एक भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ दिस क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ओके तो यहाँ पे क्या लिखा है व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ लिविंग ओनली इन द लोअर माइंड तो लिविंग इन द लोअर माइंड में ड्रॉबैक क्या है पर्सन इज अनेबल टू हैव अ कन्वेंशनल अप्रोच टू लाइफ नो डेफिनेटली नॉट राइट नेक्स्ट पर्सन इज ओपिनियनेटेड एंड स्केप्टिकल ये भी हाँ है लेकिन यहाँ पे ये ड्रॉबैक थोड़ी है राइट नेक्स्ट नेवर बीन एबल टू ट्रांसेंड बियॉन्ड अवर बिलीव्स एंड एग्जाम्पशन यही तो है कि हम बाहर आपके हमारे जो बिलीव है हमारे जो एग्जाम्पशन है उसके बाहर हम सोचते ही नहीं है तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर सी ओके नेक्स्ट What is the difference between intelligence and wisdom? Intelligence and wisdom ke difference kya hai? So people with wisdom do not have rational thinking. So people with wisdom don't have rational thinking. So ye hai? No? Right? Next dekhte hai. Intelligent people are not reflective? No. People with wisdom have access to both the minds. Ye aapka sahi hai? Right? Next, people with wisdom never miss mistakes. No, people with wisdom are not skeptical unlike the one who are intelligent. To ye bhi sahi hai, right? okay? To yaha pe correct answer kya hoga? People with wisdom, kyunki yaha pe difference pucha gaya hai, to yaha pe hoga people with wisdom, kyunki yaha pe aapka difference nahi hua hai, to aapka difference kaha pe hoga? Option number E pe, theek hai? Clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू वर्ड्स इज गिवन इन बोल्ड लेटर्स तो आपको नियरेस्ट इन मीनिंग बताना है ठीक है तो एग्रेजियस एग्रेजियस तो यहाँ पे बोल्ड करके रखा था तो लेट अस सी कि यहाँ पे क्या था तो यहाँ पे लिखा है बिजनेसेस कंटिन्यू टू फेस चैलेंजिंग टाइम्स इन दिस अनसर्टेनिटी सम लीडर्स हैव लॉस्ट देयर वे ड्यू टू एग्रेजियस मॉरल
एथिकल मिसस्टेप्स. तो गेस पीपल यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंड इफ यू नो इट देन इट इज गुड राइट. तो अब देखिए यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है जो एग्रेजियस, जिसका स्पेलिंग होना चाहिए था ईजी. ओके वहाँ पे पैसेज में सही है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, कोई नहीं. अब एग्रीजियस का मतलब वो होता है कंस्पिकुअसली बैड, ठीक है, कंस्पिकुअसली बैड इफ इज सरप्राइजिंग, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बैड होता है, ठीक है. तो इम्परसेप्टिबल, तो कैन दिस बी द मीनिंग, इम्परसेप्टिबल का मतलब है कि बहुत ही अननोटिसेबल. तो नो, डेफिनेटली नॉट. ओके कंस्पिकुअस, कंस्पिकुअस का मतलब है, अब देखिए ये डेफिनेट है, यहाँ से मिस सिमिलर मीनिंग तो यही देंगे. तो कंस्पिकुअस का मतलब होता है दैट इज क्लियरली विजिबल या फिर नोटिसेबल, राइट. तो ऑब्वियस है कि यही होना चाहिए, बट लेट अस सी द अदर ऑप्शंस एज वेल. कंसील का मतलब पता होगा आप लोगों को, इट इज द मीनिंग ऑफ इट मीन्स हाइड, राइट. नेक्स्ट ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब बहुत ही ज्यादा अनइम्पॉर्टेंट, दैट इज अनइम्पॉर्टेंट. ओके लेस इम्पॉर्टेंस. ट्रिफलिंग, ट्रिफलिंग का मतलब भी ट्रिवियल ही होता है, क्लियर. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो कन्वेंशनल, तो कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, यू आई एम प्रीटी श्योर आपको, आपने ये आंसर कर दिया होगा. डिस्टिंक्टिव, ऑर्थोडॉक्स, कॉम्प्लेक्स, इनेप्ट एंड ओरिजिनल. डिस्टिंक्टिव जो डिस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं वो भी होता है डिस्टिंक्टिव. ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही होता है कन्वेंशनल, जो आपका पहले से चला मतलब जो चला आ रहा है वही आपको करना, दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ कन्वेंशनल, या फिर दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ ऑर्थोडॉक्स, राइट. जो आपके पहले आपके फोर फादर्स ने किया था वही आप कर रहे हो, दैट इज ओनली ऑर्थोडॉक्स, बींग ऑर्थोडॉक्स या फिर बींग कन्वेंशनल. ओके नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यू नो इट इज व्हाट एवर इज कॉम्प्लिकेटेड. नेक्स्ट इनएप्ट, इनएप्ट जो जो एबल नहीं है, दैट इज नोन एज इनएप्ट. ओके ओरिजिनल यू नो, तो डेफिनेटली व्हाट इज द आंसर, व्हाट वुड बी योर आंसर, ऑर्थोडॉक्स, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज, यहाँ पे जो एक करेक्शन है, यहाँ पे आपके नियरेस्ट की जगह होना चाहिए इज ऑपोजिट. ओके ऑपोजिट इन मीनिंग टू वर्ड एज गिवन इन बोल, ठीक है. तो दिस सन, दिस सन का मतलब क्या है, लेट अस सी कि पैसेज में क्या लिखा गया था, ठीक है. तो ऑपोजिट इन मीनिंग आपको करना है, ओके ऑपोजिट इन मीनिंग आपको करना है दिस सन. ओके तो यहाँ पे लिखा है दे आर अडेप्टेड यूजिंग एनालॉजी एंड मेटाफोर एंड सीक टू रिकॉग्नाइज पैटर्न, स्पॉट ट्रेंड्स, ड्रॉ कनेक्शन एंड डिसर्न द बिग पिक्चर. ओके तो लेट अस सी ऑप्शंस, व्हाट आर द ऑप्शंस. तो डिसर्न का मतलब क्या होना चाहिए कि रिकॉग्नाइज करना या फिर रिकॉग्नाइज करना होना चाहिए, राइट. तो डिसर्न का मतलब क्या होना चाहिए, लेट अस सी. तो डिसर्न का मतलब होता है रिकॉग्नाइज करना. ओके परसीव का मतलब क्या होता है, परसीव का मतलब भी रिकॉग्नाइज होता है, तो ये तो नहीं होंगे. डिटेक्ट का मतलब भी रिकॉग्नाइज होता है, रिकॉग्नाइज इज रिकॉग्नाइज, तो डेफिनेट है नहीं होंगे. बी होल का मतलब भी रिकॉग्नाइज ही होता है, तो ये नहीं होंगे. तो कन्फर्म, कन्फर्म का मतलब होता है कि कॉज कन्फ्यूजन, तो ये ऑपोजिट है कि रिकॉग्नाइज करना एंड रिकॉग्नाइज नहीं करना. तो कन्फर्म ही आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे, क्लियर. नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, आपके पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, आपके पर्सपेक्टिव्स. ओके तो पैनोरामा, पैनोरामा भी व्यू होता है या फिर सीन होता है. प्रोस्पेक्ट्स भी आपके ओपिनियंस या फिर व्यूज होता है या फिर लाइकलीहुड्स होता है. ओके एस्पेक्ट भी आपका आउटलुक होता है, राइट. स्टेंस भी एक, अगर ऐसे देखें कि स्टैंड भी आपके कुछ व्यूज के बारे में ही बोल सकते हैं, आपके जो स्टैंड है, द स्टैंड या फिर द व्यूज दैट यू गिव, दैट इज नोन एज स्टैंड. ओके तो डेफिनेटली ये चार नहीं होंगे. आपके करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे, ब्लाइंडनेस, बिकॉज यू आर गिविंग ए व्यू अबाउट समथिंग एंड यू कॉन्ट सी, यू हैव ब्लाइंड, दैट इज टोटली ऑपोजिट, क्लियर. तो यहाँ पे इसीलिए यही ऑपोजिट होंगे, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो 9 to 16, तो बेसिकली देयर इज अनदर वन मोर कॉम्प्रिहेंशन फॉर यू. तो यहाँ पे लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट. सर्टेन वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू लुक एट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस. दिस इज अ प्रॉब्लम दैट सोसाइटी मस्ट फिक्स. वी आर सपोज टू बी एन इक्वल एजुकेशन सिस्टम. इट इज हिस्पैनिक एंड ब्लैक स्टूडेंट्स हु आर इन परफॉर्मिंग एट द लेवल ऑफ वाइट एंड एशियन स्टूडेंट्स. Certain races or groups should not be the only ones successful in schools.
According to the interview with Greg Dungan and Richard Murnane and Rohan Muskerenhaus stated that one of the reasons why children achieve good grades at school is because they are in after-school programs. Parents with higher incomes sign their kids up for after school. They do this so that their child can learn more throughout the day, not just in school. After school programs also have children one-on-one who are struggling in school. The rich take advantage of these after school programs. The students with low income struggle with the reading and writing. They can't afford to go to after school programs. That is why they continue to struggle and don't receive the proper help that they need. When I was in elementary school, I attended after school, which helped me because it kept me in honors class. I was able to get an extra help I needed during this time, and I improved my academic performance. It's important to attend after school because it focuses on academic activities. Parents with higher income pay for tutors to come over and to teach their child, while low-income parents don't reach out to any tutors. A student with lower income could receive some money from the government to help them pay or for after schools and tutors. It would help them to perform better and succeed in school as well. The government can help if they make after school programs free for any students. The more students to join after schools, the better results they will have in test scores in school. Would you send your child to a private or to a public or a private school? Which would your income lead you to? Most high-income parents put their child in private schools. Its class size is smaller than public schools. Public school classes ranges from 25 to 30. That's too many students for one teacher to handle. One of the benefits of private school is that class size is from 15 to 20. This allows students to receive more attention in class and receive more work as well. The level of teaching is different between the two. Private school teachers often have their graduate degrees or their doctorate degree, while public school teacher must have a bachelor's degree with a master in the subject. Okay. The level of education, however, is more difficult for private than for public school. Parents with low income tend to put their child in public school because it's free. Help from the government is what makes public school run well and not shut down. The private schools charge tuition for each student, so this helps them raise enough money and not rely so much for government funds. There is a gap in achievement between low-income students and high-income students. Students who come from affluent families perform higher in school compared to lower-income families. About 82% of high school graduates who come from high-income families attend colleges in comparison to 52% of graduates from low-income families. A study shown by Martha Bailey and Susan Dehorsky showed that over the last 20 years, the percent of children from higher income who completed college increased by 21%, while low income increased by only 4%. This is not a significant change for low income students, showing that this is a cycle. Study shows that this cycle continues and stays with the student into college. The rate of white graduates who were college ready in English was 77%, whereas African American was half of that. They were 35% ready. Okay, this is because students who come from families with low income are attending high schools with teachers who are inexperienced and do not offer the courses need to prep them for college. The schools lack the resource they need to ensure the students are ready for higher education. The person of 18 to 24 year old enrolled in college is 58%, while Hispanic is less than half of that, 19%. At 19% and black at 14%. The income gap has not narrowed over time. Changes within the government education system need to be made to close this gap in schools. It is essential to increase academic achievement. All students should be held to the same high expectations and all be given the same resources and tools to help them through K-12 grade. This will prepare them for the college and future careers. Okay, basically a happy low income group and जो आपके हाई इनकम ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्यों वो ज़्यादा अचीव करते हैं हाई इनकम ग्रुप ऑफ पीपल इन देयर लाइफ या फिर इन देयर कॉलेज इन देयर स्कूल लाइफ, उसके बारे में ही आपको बोला गया है. आफ्टर स्कूल्स के बारे में बोला गया है. तो लेट अस गो टू द क्वेश्चंस.
यहाँ पे क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजंस व्हाई स्टूडेंट विद हायर इनकम सक्सेस मोर देन दोस विद लो इनकम. ठीक है, तो क्यों सक्सेड करते हैं, लेट अस सी. सो यहाँ पे लिखा है पुअर स्टूडेंट्स डोंट गो टू आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट अनलाइक द रिच स्टूडेंट्स. या डेफिनेटली ट्रू, राइट. नेक्स्ट, एज पुअर स्टूडेंट्स गो टू पब्लिक स्कूल, या ये भी सही है. डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन दोनों, तो बेसिकली तीनों सही है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल ऑफ दिस. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट कैन बी द मोस्ट सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज. ठीक है, तो मोस्ट सुइटेबल टाइटल क्या हो सकता है, डायलमा ऑफ लो इनकम स्टूडेंट्स, नो. एजुकेशन ओनली फॉर रिच, द वाइडनिंग गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, एजुकेशन एंड इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. तो यहाँ अगर देखें तो यह कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दिस इज टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, दिस इज टॉकिंग अबाउट इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर. तो डेफिनेट है इनको ये जो टाइटल है वो ही सबसे सुइटेबल टाइटल है. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर स्टूडेंट्स कैन बी अब्रिज्ड. ओके, कैन कैसे हम अब्रिज कर सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पब्लिक स्कूल्स, नो. बाई वेविंग द फीस ऑफ प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, नो. बाई नैरोइंग द इनकम गैप, ओके, मे बी, लेट अस सी. बाई एनकरेजिंग पुअर स्टूडेंट्स टू जॉइन आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स, बट हाउ वुड दे जॉइन बिकॉज दे डोंट हैव मनी. तो दिस इज ऑल्सो लाइक दिस इज नॉट फिजिबल एट द मोमेंट, राइट. तो बाई रिड्यूसिंग द क्लास साइज इन पब्लिक स्कूल, सो दिस इज द ओनली फिजिबल ऑप्शन. सो योर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ई. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. ब्लैक स्टूडेंट्स आर नॉट परफॉर्मिंग बेटर देन एशियन स्टूडेंट्स. तो ये तो सही है, राइट, दिस इज नॉट फॉल्स. नेक्स्ट, नॉट बींग एबल टू रीच आउट टू ट्यूटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर बैड परफॉर्मेंस ऑफ पुअर पीपल. तो या मे बी, राइट. तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज नॉट फॉल्स. ठीक है, नेक्स्ट, मोर अटेंशन टू स्टूडेंट इज पेड इन प्राइवेट कंपेयर टू पब्लिक, दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट. नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर टीचर्स आर मोर क्वालिफाइड हेंस द परफॉर्मेंस इज बेटर, दिस इज फॉल्स, बिकॉज आपको बोला गया है जो प्राइवेट सेक्टर टीचर्स है उसका क्वालिफिकेशन इनफैक्ट कम होता है पब्लिक सेक्टर से, राइट. तो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. सो ये आपके करेक्ट ऑप्शन होंगे. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू वर्ड्स एज गिवन इन बोल्ड लेटर्स. तो एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब क्या होता है, वेल्दी, जो बहुत ज्यादा वेल्दी है. ठीक है, तो ये वेल्दी हो गया. तो व्हाट वुड बी द क्लोजेस्ट इन मीनिंग, तो पेनोरियस, पेनोरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर. ओके, एक्सट्रीमली पुअर डेफिनेट है ये नहीं होंगे. क्लियर, इम्पिक्यूनियस, इम्पिक्यूनियस का मतलब होता है हैविंग लिटिल और नो मनी. ओके, नाउ डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट का मतलब भी पुअर होता है, डिप्राइव का मतलब भी पुअर होता है, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है वेल्दी. तो यही आपके करेक्ट मीनिंग होगा. क्लियर, सिमिलर क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, एफ्लुएंट का ऑपुलेंट. क्लियर, नैरो, नैरो मतलब बहुत, मतलब जो कम करना, ब्रेथ कम करना, राइट. तो वाइड तो ऑपोजिट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ब्रॉड भी नहीं होगा, स्पेशियस भी नहीं होगा. कैपेसियस, कैपेसियस का मतलब है हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस. या फिर यू कैन से वास्ट. तो डेफिनेट है ये भी नहीं होंगे. क्लियर, तो नेक्स्ट, कंस्ट्रिक्टेड, कंस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है नैरो करना. तो यही आपकी करेक्ट ऑप्शन होंगे. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे भी एक छोटा सा एरर है. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड्स इज गिवन इन बोल्ड. तो यहाँ पे होना चाहिए था आपके ऑपोजिट. क्लियर, ऑपोजिट होना चाहिए, डू द करेक्शन. तो डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है, एक बिलीव. ठीक है, आपके बिलीव. तो ये जो डॉक्ट्राइन है, क्रीड, क्रीड भी होता है बिलीव, डॉगमा भी बिलीव होता है, ये तो बिलीव भी बिलीव होता है, कन्विक्शन भी एक तरफ से बिलीव होता है. तो ये जो चार ऑप्शन है ये सभी डॉक्ट्राइन के सिनोनिम्स है. लेकिन जो एंटोनिम है वो स्केप्टिज्म, स्केप्टिज्म का मतलब है जो स्केप्टिक होना या फिर इजिली ट्रस्ट नहीं करना, डाउटफुल रहना. ठीक है, अब देखिए ये बिलीव या फिर फेड, यहाँ पे आप क्या करते हो, किसी को बिलीव करते हो, लेकिन यहाँ पे किसी को डाउट करना. तो ये डाउट जो है यही आपके ऑपोजिट एंटोनिम है. तो यही आपके करेक्ट ऑप्शन होगा. क्लियर, नाउ एनरोल, एनरोल का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे नाम लिखवाना बोलते हैं उसी वही होता है एनरोल. तो ऑफिशियली रजिस्टर. ओके,
कैटलॉग के बारे में तो आपको पता होगा, एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ आइटम जहाँ पे लिखा होता है कि क्या क्या है, ठीक है। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी आपको पता है कि ए बुक या फिर वेबसाइट जो इंडिविजुअल्स को लिस्ट करते हैं। एक्सपेट्रिएट, एक्सपेट्रिएट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कोई नेटिव अपने कंट्री में नहीं रहते लेकिन अपने किसी दूसरे कंट्री में रहते, दैट इज मीन्स ही और दैट पर्सन इज ऑन एक्सपेट्रिएट। अगर वर्ब की तरह इसको यूज करेंगे, इसका मतलब है बाहर निकलना। तो एनरोल का मतलब है अंदर, मतलब उसमें एनरोल करना। एक्सपेट्रिएट का मतलब है उससे बाहर निकलना। तो यही आपके ऑपोजिट वर्ड होंगे, एंटोनिम, क्लियर। अवाउ, अवाउ का मतलब होता है एसर्ट और कन्फेस ओपनली। तो ये तो डेफिनेट है, ये नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट वॉलंटियर, वॉलंटियर तो आपको पता ही है कि जैसे किसी सर्विस के लिए ऑफर करना, दैट इज वॉलंटियर, राइट। और तो क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्रामर पे चलते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन सेंटेंस और पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन, बिलो आर गिवन ऑल्टरनेटिव्स टू द अंडरलाइन पार्ट व्हिच मे इंप्रूव द सेंटेंस इन ऑर्डर। तो बेसिकली यहाँ पे अंडरलाइंड है, ओके। ये अंडरलाइंस मिसिंग है, कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इन ऑर्डर टू अर्निंग डिसेंट लिविंग वी नीड टू हैव अ गुड जॉब व्हिच पे सब्सटेंशियल अमाउंट मनी, ठीक है। तो देखिए, इन ऑर्डर टू, अब टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो अर्निंग नहीं अर्न होना चाहिए, राइट। तो यही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। टू अर्न ए डिसेंट लिविंग वी नीड टू हैव अ गुड जॉब, क्लियर। नेक्स्ट, एज अ लेयर वॉज टू पर्सन एज अ सॉरी यहाँ पे होना चाहिए लॉयर, ठीक है। एज अ लॉयर वॉज टू पर्सनली इन्वॉल्व जस्ट डिसाइडेड टू रिमूव हिम, ठीक है, रिमूव हिम फ्रॉम द, ठीक है, ये अंडरलाइन है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि टू के बाद क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो रिमूव्ड नहीं होना चाहिए, रिमूव होना चाहिए। जो ऑप्शंस ले रहे कि ऑप्शंस कहाँ कहाँ है जिसमें रिमूव नहीं है, वो ऑप्शन नहीं हो सकते। तो रिमूव हिमसेल्फ तो नहीं होगा, आप जज लॉयर को रिमूव करेंगे तो हिमसेल्फ वाला नहीं होगा। रिमूव हिम फ्रॉम द केस या फिर ऑन द केस, तो फ्रॉम द केस ही होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वंस द इवेंट इज ओवर मेनी पीपल क्लेम क्रेडिट फॉर सक्सेस एंड डिसओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर, ओके। तो यहाँ पे फॉर सक्सेस से लेके आपका डिसओनिंग तक यहाँ पे अंडरलाइन है, ठीक है। अब देखिए, लोग क्या करते हैं, एक ओवर इवेंट ओवर होने के बाद वो क्रेडिट तो लेते हैं सक्सेस के लिए, लेकिन जो फेलियर होते हैं उसके लिए उसको डिसओन कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों ऑपोजिट है, तो एंड यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो होना चाहिए था बट, क्लियर। जिसमें एंड है वो तो होगा गलत, क्लियर। नेक्स्ट, क्रेडिट फॉर सक्सेस इज ओनली करेक्ट, राइट। फॉर सक्सेस ही करेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में फॉर सक्सेस है, बट डिसओनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा या फिर बट डिसओन, बट डिसओन तो नहीं होगा, राइट। तो क्या होना चाहिए, बट डिसओनिंग, राइट, बट डिसओनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ बट डिसओन्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर, ठीक है, ओके, क्लियर। क्लेम क्रेडिट फॉर सक्सेस बट डिसओन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, टू प्रैक्टिस एनी आर्ट प्रॉपरली रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली पेशेंस, ठीक है। ये आपका ये है। अब देखिए, यहाँ पे सही थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे सभी में पेशेंस होंगे, ठीक है। अब देखिए, आर रिक्वायर्ड टू री प्रैक्टिस एनी आर्ट प्रॉपरली, ये आपके सिंगुलर है, एक आर्ट जो है ये एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर लेंगे। रिक्वायर्स, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्स आपके सही ऑप्शन होंगे, क्लियर। तो रिक्वायर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंस, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। नेक्स्ट, इफ ही वॉज टू, तो यहाँ पे इफ ही वाज टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, यहाँ अंडरलाइन है, तो यहाँ पे कुछ एरर है। देन देखिए, अच्छे से देखिए, इफ ही वाज टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज, आई फॉर वन, कॉलेज आई फॉर वन वुड रिकमेंडेड दैट ही वेंट टू येल यूनिवर्सिटी, ओके। तो लेट अस सी यहाँ पे क्या हो सकता है। तो जैसे अगर
इफ के साथ यूज हुआ है कोई सा भी कुछ भी यूज होता है देन दैट इज इन द सब्जेक्टिव मूड. सब्जेक्टिव मूड का मतलब क्या होता है कि एक कंडीशन जो बहुत ज्यादा डाउटफुल है या फिर फैक्चुअल है जिसको मतलब जो अभी नहीं हुआ है वो ये जस्ट थिंकिंग है जस्ट डिस्क्राइबिंग कि अगर ऐसा होता तो. ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे वर्ज नहीं वेयर होना चाहिए था. तो योर करेक्ट फॉर्मेशन वुड बी इफ ही वेयर टू डिसाइड टू गो टू कॉलेज आई वुड रिकमेंड हिम आई फॉर वन वुड रिकमेंड हिम दैट ही वेंट टू यर यूनिवर्सिटी. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 26 पे. तो यहाँ पे फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव टू ब्लैंक्स. तो बेसिकली फिलर क्वेश्चन है इट्स ब्लैंक indicating that something has been omitted choose the set of word for each blank that best fits the meaning of the sentence as a whole. ठीक है, as many as 15 people had dash me at the security check while I was traveling from Delhi dash San Francisco. ओके, तो यहाँ पे इट्स वेरी क्लियर यहाँ पे टू होना ही चाहिए आपका. ठीक है, तो जिस ऑप्शन में टू नहीं है उनको हम ऑमिट कर देंगे. क्लियर? अब उसमें से अप्रोच एंड अकोस्टेड, अकोस्टेड का मतलब भी अप्रोच ही होता है लेकिन अप्रोच समवन विथ एग्रेशन. ठीक है, अप्रोच विथ एग्रेसिवली. ठीक है, या फिर किसी किसी को अक्यूज करना. ठीक है, अप्रोच करके अक्यूज करना. ठीक है, दैट इज नोन एज अकोस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अप्रोच की जगह क्योंकि सिक्योरिटी चेक में अप्रोच उसको अप्रोच किया गया है तो यहाँ पे अकोस्टेड होना चाहिए. ठीक है, तो ये करेक्ट करेक्ट फॉर्मेशन वुड बी अकोस्टेड. अप्रिहेंड का मतलब तो पता ही है, अरेस्ट फॉर ए क्राइम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पीपल पीपल अवॉइड ईटिंग नॉन वेजिटेरियन फूड दैट देयर इज एक्सेस प्रोटीन एंड फैट दैट मे बी क्या होना चाहिए हार्मफुल दैट मे बी हार्मफुल फॉर ए गुड. ठीक है, तो हार्मफुल ही करेक्ट होना चाहिए. अब क्या होना चाहिए, लेट्स सी सीन्स देयर इज एन एक्सेस देयर इज एक्सेस प्रोटीन एंड फैट दैट मे बी हार्मफुल. तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी एज यहाँ पे सही नहीं आएंगे एज देयर इज एक्सेस प्रोटीन एंड फैट दैट मे बी क्योंकि एज थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दिखाता है. ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इंडियन इकोनॉमी हैज सीन मैनी क्या होगा बताइए मैनी डैश बट दिस वन विल श्योरली साउंड द डेट डैश फॉर अस. अब देखिए बेड नहीं हो सकता क्योंकि साउंड बोला गया है बहुत बहुत ही क्लियरली आपको देखना चाहिए. तो साउंड बोला गया है तो आइदर आपका अलार्म साइरन नेल नेल का मतलब होता है बेल. ठीक है, साउंड ऑफ बेल. ठीक है, तो ये हो सकता है डाउनटर्न्स फ्लक्चुएशन एवरेशन. ठीक है, अब डाउनटर्न्स का मतलब क्या है डिक्लाइन. डाउनटर्न का मतलब होता है डिक्लाइन. ओके, अब फ्लक्चुएशन का मतलब होता है इंक्रीज भी हो सकता है डिक्लाइन भी हो सकता है तो फ्लक्चुएशन सही नहीं आएंगे. एवरेशन का मतलब है कि स्लाइट स्लाइट डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है, एवरेशन का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल. ओके, अब देखिए यहाँ पे डेविएट करना अब वो डिक्लाइन भी हो सकता है इंक्रीज भी हो सकता है तो ये भी सही नहीं होगा. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा डाउनटर्न एंड नेल. इंडियन इकोनॉमी हैज सीन मेनी डाउनटर्न बट दिस वन विच सियोरली साउंड द डेट नेल फॉर अस. क्लियर? नेक्स्ट आई वॉज लकी टू हैव ओके I was lucky to have क्या होना चाहिए देखिए survived lived lived the plane crash no definitely wrong. तो ये दोनों तो definitely नहीं होंगे lived through the plane crash भी नहीं होता survived is the correct formation. next the plane crash and come out non injured नहीं बोलते unscathed. unscathed मतलब without suffering any injury. तो आपका correct option क्या होगा option number C. क्लियर? अस्क्यूमिसली वहाँ पे भी देख लीजिए कि मीनिंग्स क्या हो सकता है. आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही होगा बट फिर भी आपके वोकैब्स के लिए बाकी ऑप्शंस की मीनिंग भी देख लीजिए. तो स्क्वेमिसली का मतलब क्या होता है इजिली मेड टू फील सिक. इजिली मेड टू फील सिक या फिर नर्वस किसी को नर्वस करना. ओके, अनपेटुलेंट अनपेटुलेंट एडजेक्टिव होता है पेटुलेंट का. अनपेटुलेंट का मतलब होता है शोइंग सडन इम्पेशेंट इरिटेशन
स्पेशली ओवर सम ट्रिफलिंग अनॉइंस. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, इट इज अ गिवन, इट इज अ गिवन. अब देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो एक नाउन है. अब गिवन अगर नाउन होता है, गिवन अगर नाउन की तरह होगा, दैट मीन्स इट मीन्स समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन, समथिंग दैट इज सर्टेन टू हैपन. ओके, इट इज ए गिवन दैट जापान वुड स्टेम. स्टेम यूज किया गया है वर्ब की तरह, तो वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है टू मेक हेडवे अगेंस्ट. ठीक है, टू मेक हेडवे अगेंस्ट समथिंग. ओके, इट्स इकोनॉमिक डैश बाय डॉलिंग डैश लर्गीज टू इट्स पीपल. अब बताइए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक डाउनस्लाइड नहीं होना चाहिए, डाउनटर्न, डाउनटर्न का मतलब होता है डिक्लाइन, तो यही करेक्ट होना चाहिए. एंड डॉलिंग आउट का मतलब होता है टू हैव समवन विद मनी एंड गिफ्ट्स. ओके, तो करेक्ट क्या होगा, डाउनटर्न एंड आउट. ठीक है, डाउनटर्न मीन्स डिक्लाइन एंड डॉल आउट का मतलब होता है, या फिर डॉलिंग आउट का मतलब होता है टू हैव समवन विद मनी और गिफ्ट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्लोज टेस्ट है. तो इन द फॉलोइंग पेसेस देयर आर ब्लैंक्स ईच ऑफ व्हिच हैज बीन नंबर्ड, दिस नंबर्स आर प्रिंटेड बिलो द पेसेस एंड अगेंस्ट ईच फाइव वर्ड्स सजेस्टेड वन ऑफ व्हिच फिट्स द ब्लैंक एप्रोप्रिएटली, फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट वर्ड इन ईच केस. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया है आपको. ओके, तो लेट अस सी. सीड क्वालिटी इज एन डैश एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप रिवोल्यूशन. ठीक है, तो क्या होगा बताइए. ओके, लेट अस सी. तो यहाँ पे लिखा सीड क्वालिटी इज एन डैश, तो फर्स्ट में लिखा गया है तो क्या होना चाहिए, इरेशनल एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. इरेशनल मतलब जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट, तो ये नहीं होगा. मेन ब्रिलियंट इम्पॉर्टेंट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इम्पॉर्टेंट. क्लियर. नेक्स्ट, फॉर एजेस फार्मर्स हैव ट्रेडिशनली बीन सिलेक्टिंग एंड डैश गुड क्वालिटी सीड्स. क्या होगा, मेंटेनिंग, डेफिनेटली मेंटेन ही करते हैं, ट्रस्टिंग, सेलिंग, प्रोसेसिंग एंड क्रिएटिंग, नो बाकी नहीं होंगे. Since it was in their interest to do so, they knew and understood the importance of quality seed in production. However, with the advent of green revolution technology based dash on high yielding, ठीक है, based क्या होगा, necessarily, exceptionally, primarily, primarily ही होगा correct option, based primarily on high yielding dwarf varieties of wheat and rice. Mainstream thinking changed. Agriculture scientists, for reasons that remain dash, began to doubt that remain unexplained. Unexplained हो सकता है, doubt some true set. तो इनमें से सबसे correct option लगता है unexplained. That remain unexplained began to doubt the ability of farmers to maintain seed quality. क्या seed quality खुद से जो maintain करते हैं, तो himself, himself नहीं, there sometimes proper improve and themselves. तो correct क्या होगा, themselves, because यहाँ पे लिखा है farmers. ठीक है, farmers. So aided by the World Bank, the Ministry of Agriculture launched a National Seeds Project in 1967. Under the project spread into three phases, seed processing plants were dashed up in 9 states. So क्या होना चाहिए, established, created, set. Set up होता है, set up का मतलब होता है established. ठीक है, तो next, set up in 6 states were covered under phase three. All the huge processing plants were dashed to do was to provide certified seeds. To where? क्या होना चाहिए? Tried, matured, meaning supposed, expect. तो क्या होना चाहिए आपको? Supposed. Which supposed to do was to next. Mainly self-pollinating crops to farmers. In mid-1980s, the International Rice Research Institute in the Philippines concluded a study which dashed that there were hardly any difference. Which क्या होना चाहिए, रिनाउंस, शोड, शोड लगता है होना चाहिए, मीनिंग सपोज एंड एक्सपेक्ट, तो इसमें से आपका करेक्ट होगा शोड. ठीक है, द व्हिच शोड दैट देयर हार्डली एनी डिफरेंस इन द क्रॉप यील्ड्स फ्रॉम ट्रांसप्लांटेड राइस एंड फॉर्म द क्रॉप्स शोन बाय ब्रॉडकास्टेड सीड्स. वन वुड वंडर व्हाई इन द फर्स्ट इंस्टेंट विद द फार्मर्स आस्क्ड टू डैश ओवर टू ट्रांसप्लांटिंग पैडी, टू शिफ्ट ओवर, नो शिफ्ट ओवर नहीं होता, मेक ओवर नहीं होता, टर्न ओवर नहीं, मल
स्विच ओवर का मतलब होता है कि वहाँ से यहाँ स्विच करना, ठीक है? नेक्स्ट, स्विच ओवर टू ट्रांसप्लांटिंग पैडी, द आंसर इज सिंपल, प्रोबेबली टू हैव द मैकेनिकल इंडस्ट्रीज ग्रो, सिंस राइस इज अ स्टेपल फूड इन एशिया, ट्रैक्टर सेल्स could only grow if there was a way to move the machine in the rice field. No wonder the sales of tractors, peddlers, reapers and others associated showed in the rice growing areas. So reaper sabhi equipments ke baare mein bola gaya hai, to yahan pe equipments hi hone chahiye, right? Clear? To pura humne kar liya, zyada mushkil nahi hota hai close test. I suggest ki aap log sabhi ko karna chahiye. So definitely let us move to the next question, okay? ओके सो लास्ट क्वेश्चन से 37 से लेके 40 रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है. रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस ए बी सी डी ई एफ एंड जी इन द प्रॉपर सीक्वेंस, इट शुड बी 7 सेंटेंसेस, ओके, इन द प्रॉपर सीक्वेंस टू फॉर्म ए मीनिंगफुल पैराग्राफ दैट आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो देम. हाउएवर अचीविंग सक्सेस, तो यहाँ पे सबसे पहले व्हाट आई सजेस्ट टू पीपल आपको करना चाहिए इज यू शुड सर्च फॉर द इंट्रोडक्शन, ठीक है? तो देखिए हाउ एवर से हम एक इंट्रोडक्शन, एक पैसेज का इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाइल टॉडलर्स एंड प्री स्कूलर्स नीड कंस्टेंट सुपरविजन, स्कूल एज चिल्ड्रन बिकम स्पिरिचुअली रेडी फॉर मोर इंडिपेंडेंस, नो वॉचिंग देम ट्राई न्यू एक्टिविटीज, चीयरिंग देम ऑन, नो डेफिनेटली हु इज देम, राइट? When will equipped parents, तो ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से दोनों कर सकते हैं. Raising school age children can be awesome. तो ये हो सकता है कि ई आपका जो है वो आपका इंट्रोडक्शन हो. क्लियर? तो let us see ई आपके इंट्रोडक्शन है कि नहीं, ठीक है? तो raising school age children can be awesome, ठीक है? फिर उसके बाद however learning to make good choices and exercise self-discipline, तो ये does not make sense with E. Next, parents need to impart a moral code that the child gradually internalize. तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे raising school age children can be awesome, लेकिन however achieving success is often preceded while toddlers, लेकिन watching them trying new activities, ये जो है ये एक positive sense था क्या है school age children को raise करने के लिए. तो we can say कि raising school age children can be awesome, watching them try new activities, cheering them on at athletic events and applauding their accomplishments at recitals are usually some of the high points for most parents. तो ये correct है, clear? Next. नेक्स्ट इफ यू सी, तो यहाँ पे इसके बाद व्हाट यू कैन से, लेकिन ये एक हाई पॉइंट है, लेकिन हाउएवर द अचीविंग सक्सेस इज ऑफन प्रिसीडेड विद फ्रस्ट्रेशंस एंड समटाइम्स लर्निंग टू एक्सेप्ट वन्स वीकनेस एज वेल एज सेलिब्रेटिंग एंड बिल्डिंग ऑन स्ट्रेंथ्स, ओके. तो ये हो गया. फिर उसके बाद When will equipped parents can be excellent coach, ठीक है? To D for this child, no matter what the endeavor, ठीक है? फिर उसके बाद, while toddlers and preschoolers need constant supervision, school age children become gradually ready for more independence, okay? However, learning to make good choices and exercise self-discipline does not come easily for many, okay? Parents need to impart a moral code that the child gradually internalizes. तो यही आपके correct formation होगा, paragraph ऐसे ही form होगा, एक के बाद एक आप point आपको link करना पड़ेगा, clear? तो which of the following should be the second sentence after the rearrangement? Option number C, that is T. Okay, next, which of the following should be the first sentence of the rearrangement? Option number E होना चाहिए, that is E. Clear? Next question पे चलते हैं. Which of the following should be the fifth sentence? So fifth sentence आपके B होना चाहिए. Option number C, that is B. Clear? Which of the following should be the fourth sentence after the rearrangement? तो क्या होना चाहिए आपका? Option number D, E, that is D. Clear? Okay. तो I am pretty sure आपको ये समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया, then you can leave us a comment or you can also write to us. बहुत ही जल्दी आपके जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन है वो भी हम लाएंगे डेफिनेटली. सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे कनेक्टेड एंड जो आपके पेपर्स है वो करिए. नेक्स्ट आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशन भी लेके आएंगे तो डेफिनेटली तब हम आपके तो आप भी चेक कर पाओगे कि क्या आपको करना चाहिए क्या आपको नहीं करना चाहिए. तो थैंक यू पीपल, स्टे कनेक्ट.